इंजन एक अलग डिपार्टमेंट है, गियर बॉक्स एक अलग डिपार्टमेंट है। गियर बॉक्स ट्यून होता है कि उसको सर्टन आरपीएम पे कब अप शिफ्ट करना है, कब डाउन शिफ्ट करना है। हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है मारुति सुजुकी ब्रेजा 2020 का ये मॉडल है और इसमें लगा 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेट इंजन। इस गाड़ी की खासियत ये है कि यह है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ और ये गाड़ी है हाइब्रिड। तो आज हमने इसमें सीएनजी किट लगाई है, मगर गवर्नमेंट अप्रूव वाली इसमें हमने सीएनजी किट नहीं लगाई है क्योंकि हाइब्रिड में अप्रूवल्स नहीं है। अगर आप हाइब्रिड में सीएनजी लगवाते हैं तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि आरसी पे सीएनजी एंडोर्समेंट नहीं होगा। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इस गाड़ी में सीएनजी किट का प्लेसमेंट किस तरह से किया है, सीएनजी किट के क्या क्या पार्ट्स कहाँ कहाँ लगाए हैं। तो जो किट हमने इसमें यूज़ की है वो BS4 वाली किट ही यूज़ की है क्योंकि BS4 की जो किट है वो थोड़ी सस्ती है BS6 के मुकाबले, और BS6 लगा के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि RC पे चढ़नी नहीं है। टेक्नोलॉजी वाइज, सॉफ्टवेयर वाइज दोनों ही सेम है, BS6 भी और BS4 भी। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हमने इंस्टॉलेशन की है। तो ये हमारा फिलिंग वॉल्व है, इसी के थ्रू गैस फिल होती है। ये हमारा रिड्यूसर है, रिड्यूसर काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में ये गेज लगा होता है, गेज का काम होता है जो हमारा स्विच होता है गाड़ी में CNG का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है, हमें कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है CNG सिस्टम का। पीछे लगे हैं ये इंजेक्टर रेल्स, इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना। और इस तरफ आ जाए तो ये हमारा ECM है CNG सिस्टम का। जितने भी कॉम्पोनेंट इस गाड़ी में CNG के लगे हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है, जो भी हम ट्यूनिंग्स करते हैं वो इसी में जाके सेव होती है। तो ये तो हमारे सारे पार्ट्स हो गए CNG किट के। उसके अलावा हमने इसमें लगाया है ये CNG फिल्टर। फिल्टर का काम होता है किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ या फिर वक्त के साथ सिलेंडर में ऑयल जमा हो जाता है वो ऑयल हमारे इंजन ब्लॉक में ना पहुंचे, फिल्टर का काम होता है उसे रोकने का। बाकी वायरिंग की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपरली स्लीव्ड हमने इसमें वायरिंग की है ताकि वायरिंग के चलते किसी भी तरह का फॉल्ट या एरर गाड़ी में ना आए। साथ में हमने इसके लगाया स्टैटिक एडवांसर। इस गाड़ी में आप डायनामिक भी लगा सकते हैं, मगर स्टैटिक के साथ इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही लाजवाब आता है। तो मेरा ये सजेशन है कि डायनामिक के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना कोई वर्थ नहीं है, आप स्टैटिक एडवांसर के साथ भी इस इंजन का पूरा मज़ा ले सकते हैं CNG पे। तो ये हो गया हमारा एडवांसर। बाकी जितनी भी हमने इस गाड़ी में कनेक्शंस किए हैं वो सोल्डरिंग के थ्रू किए हैं, कपलर टू कपलर कुछ नहीं किया है क्योंकि कपलर में वक्त के साथ उसमें लूजिंग का इशू आ जाता है, कार्बन आ जाता है, करंट का फ्लो ख़राब हो जाता है और गाड़ी में मिसिंग के इशूज़ आ जाते हैं जो कि जल्दी से पकड़ में भी नहीं आते। तो मेरा ये सजेशन है कि आप लोग कपलर टू कपलर कराना अवॉइड करें। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई तार नहीं कटेंगे कपलर्स की वजह से, मगर बहुत इश्यूज आते हैं बाद में। तो सोल्डरिंग कराएं, सोल्डरिंग में क्या होता है हमने तार काटते ज़रूर हैं बट उसको ट्विस्ट करके अच्छे से टाइट कर देते हैं, उसके ऊपर सोल्डरिंग कर देते हैं तो करंट का फ्लो हमेशा बरकरार रहता है बढ़िया तरीके से, उसमें कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और बहुत से जो कहते हैं कि यार कपलर टू कपलर करेंगे ये वो, मगर देखिए एडवांसर जब लगेगा तो वायर कोई ना कोई कटेगी कटेगी गाड़ी की, छिलेगी ही ज़रूर। तो जब आप एडवांसर के लिए तार कटवा ही रहे हैं तो ये जो इंजेक्शन के या इंजेक्टर्स के जो वायर्स हैं इनको भी कटवा के सोल्डरिंग कराएं, ये ज़्यादा सिक्योर वे है CNG इंस्टॉलेशन की। कपलर्स बहुत इशूज़ क्रिएट करते हैं, बाकी समझाने वाले हमें, बाकी गाड़ी का मालिक जो कहेगा इसी तरह से काम होगा। खैर ये तो हो गया हमारा इंजन बे। एक बार मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ कि ब्रेजा में कितना बूट स्पेस बचता है CNG सिलेंडर लगने के बाद। तो ये है हमारा ब्रेजा का बूट स्पेस, आप देख सकते हैं अच्छा खासा लगेज एरिया आपको मिल जाता है और स्टेपनी भी अपनी जगह पे रहती है। इस गाड़ी में जो सिलेंडर है वो है 12 किलो का और स्टैंड की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर पाइप वाला स्टैंड है। साथ में हमने इसके रबर ग्रिपिंग का भी यूज़ किया है, साथ में इसके ये डक्टिंग भी है, इफ इन केस सिलेंडर में ओवरफिलिंग हो जाती है तो डक्ट के थ्रू गैस बाहर चली जाती है। और जो नट बोल्ट्स हम यूज़ करते हैं वो हाई क्वालिटी नट बोल्ट्स होते हैं, एक बार टाइट हो जाते हैं तो खुद से लूज नहीं होते। तो ये तो हो गया हमारा सिलेंडर, इंजन बे मैंने आपको दिखाई दिया। अब चलते हैं एक छोटी सी ड्राइव पे और फिर देखते हैं गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक कैसा परफॉर्म कर रही है। सो गाड़ी है हमारी इस टाइम CNG पे और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं। अब चलते हैं छोटी सी ड्राइव पे। तो गाड़ी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, मेरे दोनों पैर पेडल से हटे हुए हैं, दैट मींस प्रॉपर टॉर्क गाड़ी को मिल रहा है। अब थोड़ा सा एक्सेलरेट करके देखते हैं तो बहुत ही स्मूथ गाड़ी उठ रही है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि परफॉर्मेंस में कोई लैग है या गियर शिफ्टिंग में जर्क्स आ रहे हो। ऑटोमेटिकली गाड़ी बहुत स्मूथली गियर शिफ्ट कर रही है
तो अगर आप के पास भी ब्रेजा है, देखिए आरसी पे चढ़ेगी नहीं, टू बी वेरी क्लियर, आप अगर सोचो कि भाई हाइब्रिड है और आरसी पे चढ़ जाएगी, तो अभी तक मेरे ख्याल से 2017 या 18 से हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, अभी तक तो अप्रूवल आया नहीं। तो अगर आपके पास है और आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आरसी एंडोर्समेंट नहीं हो रही, और आपके पास ऑटोमेटिक ब्रेजा है या एस्क्रॉस है या आपकी XL6 है, तो आप उसमें टेंशन फ्री CNG लगा सकते हो, गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मैंने पहले भी बहुत सारी एस्क्रॉस और XL6 ऑटोमेटिक लगाई हैं, जब BS6 का अप्रूवल आया भी नहीं था तब भी लगाई थी, सेम यही सेटअप होता था तब भी, तो वो गाड़ियाँ भी बहुत अच्छा चल रही हैं, आज तक किसी में कोई शिकायत नहीं आई, बहुत फ्लॉलेस परफॉर्मेंस है आपका। लोगों को डाउट भी होता है यार ऑटोमेटिक है, पता नहीं गियर जब शिफ्ट होते हैं जर्क्स ना करें, तो ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी का इंजन एक अलग डिपार्टमेंट है, गियर बॉक्स एक अलग डिपार्टमेंट है। गियर बॉक्स ट्यून होता है कि उसको सर्टन RPM पे कब अप शिफ्ट करना है, कब डाउन शिफ्ट करना है, तो उसका गियर बॉक्स से कोई रिलेशन नहीं है कि आप गाड़ी को CNG पे रन कर रहे हो कि पेट्रोल पे। गाड़ी बहुत अमेजिंग परफॉर्म कर रही है, और ब्रेजा का इंजन तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा रिलायबल रहा है CNG के लिए। तो अगर आपको कोई आरसी इंडोर्समेंट वाले मसले से कोई गुरेज नहीं है, तो आप टेंशन फ्री में CNG लगाएं, और अच्छा खासा आपको फ्यूल एफिशिएंसी में भी गेन मिलेगा। हम लोग कहते हैं कि मिनिमम 50-60% का गेन मिलेगा, बट लोगों को 80-100% का भी गेन मिल जाता है, डबल हो जाती है CNG पे आपका फ्यूल एफिशिएंसी। तो आप टेंशन फ्री CNG लगाएं और गाड़ी का मज़ा लें, गाड़ी को घर के नीचे खड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।